साथियों, आज हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट सॉइल यानी कि वन मृदा के बारे में। साथियों, टॉपिक थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो इसीलिए हम इसे दो तीन पार्ट में बांट के पढ़ेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा से क्लियर हो और यहाँ से जो फॉरेस्ट से जो क्वेश्चन जो आता है मृदा से वो बिल्कुल न छूटे, आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इसीलिए मेरा शुरू सीधे है कि मैं डिटेल में लेके चलता हूँ और यहाँ से जो मैटर जो आपको मिलेगा वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डिटेल जो मैटर आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ, तो आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को या तो नोट कर सकते हैं, ठीक है, या क्लासेस को आप दो तीन बार वीडियो को भी चला करके अच्छे से सुन के पढ़ सकते हैं। तो देखिए, इनमें हम पढ़ेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ सॉइल, पेट्रोलॉजी, सॉइल वेदरिंग, फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ ट्रू सॉइल, फिर है फैक्टर इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल प्रॉपर्टी, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, और इसमें है नेट सॉइल क्लासिफिकेशन, और लास्ट है बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो टॉपिक थोड़ा सा साथियों लंबा है, ठीक है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं सारा टॉपिक को पढ़ाऊंगा और जितने भी जो जहां जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है स्ट्रेक्ट आपको बिल्कुल सार सार चीज़ों को मैं निकाल करके पढ़ाता हूँ, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा अभी बीच में थोड़ा प्रॉब्लम था जिससे वजह से क्लासेस थोड़ा लेट हो रहा है ना, बाकी जब बहुत जल्द आपको क्या है रेगुलर क्लासेस मिलेगा तो उसका चिंता मत कीजिए, उसको मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। कहाँ से कैसे पढ़ना है उसको, तो हम सबसे पहले फॉरेस्ट पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है क्लियर कर लेते हैं। पहले आते हैं लैंड, भूमि, और मृदा के बारे में देखते हैं। तो साथियों, लोगों को अक्सर यहाँ पर डाउट रहता है बहुत लोगों को कि मृदा क्या है और भूमि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो भूमि के अंतर्गत अगर हम बात करें, भूमि के अंतर्गत बात करेंगे तो मृदा, वायु, पौधे, जीवित जंतु तथा चट्टान के अंदर निहित पानी, ये सब चीजें क्या है, भूमि के पार्ट है, ठीक है, आपका लैंड के पार्ट है, ठीक है, ये सारा चीजें इंक्लूड है, ठीक है। अगर हम कोई भी एक लैंड का हिस्सा हम बात करते हैं तो उस जमीन पर, ठीक है, उस लैंड पर, उस भूमि पर आपका जीव जंतु हो सकता है, पौधे हो सकता है, मृदा हो सकता है, ठीक है, और उस चट्टान में क्या है पानी भी हो सकता है, या यहाँ पर पानी वाटर बॉडीज भी हो सकता है, तो उसे हम क्या है संयुक्त रूप से लैंड कहते हैं या जमीन कहते हैं या भूखंड कहते हैं या भूभाग कहेंगे, ठीक है। हम इसी में देखेंगे, सॉइल की बात करते हैं तो यह क्या होता है पार्ट ऑफ लैंड, ठीक है, जो हमारा जो जमीन रहता है ये जो मृदा है यह क्या है इस लैंड का पार्ट है, इसका हिस्सा है। जहां पर देखिए, मृदा प्राकृतिक माध्यम होता है जो पौधे के वृद्धि के लिए अनुकूल होता है, ठीक है जी। तो इस कॉन्सेप्ट को, इतनी चीजों को आपको याद रखना है कि मृदा क्या है, मृदा एक प्राकृतिक माध्यम है जो पौधे के वृद्धि के लिए अनुकूल होता है या उसके वृद्धि को इनहेंस करता है, उसके इनहेंस नहीं बोलेंगे, उसके वृद्धि के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, एक नेचुरल जो मीडिया होता है, वैसे एक प्राकृतिक माध्यम बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं मृदा कहते हैं। यानी कि मृदा कहने का संयुक्त रूप से मतलब है कि जो हमारा जो लैंड का, भूमि का वह भाग जिस भाग पर पेड़ पौधे क्या है उगते हैं या उसके उगने के लिए अनुकूल जो प्राकृतिक रूप से मीडियम जो प्रोवाइड कराते हैं उसकी वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए, जर्मिनेशन के लिए, ऐसे स्थान को या ऐसे भाग को पृथ्वी के हम उसे क्या कहेंगे जी, मृदा कहेंगे, राइट। सॉइल आपका क्लियर हो गया होगा इतना में। हम नेक्स्ट देखेंगे फॉरेस्ट सॉइल। अब बात आता है कि हम तो मृदा के बारे में पढ़े, लैंड के बारे में पढ़े, लेकिन ये फॉरेस्ट सॉइल क्या चीज होता है। तो देखिए, वह मृदा जो वन कवर प्रभाव के नीचे विकसित हुआ हो तो उसे हम क्या कहेंगे, फॉरेस्ट सॉइल के रूप से जानते हैं। तो देखिए, फॉरेस्ट सॉइल का सीधा सीधा मतलब है कि मृदा का वह भाग, राइट, सॉइल का वह पार्ट जो फॉरेस्ट के कौन सा प्रभाव जी, कवर प्रभाव। यानी कि देखिए, यह पूरा फॉरेस्ट है, ठीक है, यहां पर ट्री है और इन्हीं ट्री के ये जो कवर प्रभाव, इसके छांव में, इसके लीटर फाल से, पत्तियां गिरने से, ठीक है, धीरे धीरे ह्यूमस का जो दबाव बनता है और उसके बाद में यहाँ पर मृदा की एक लेयर बन जाती है और उसी लेयर को, यही जो मृदा जो निर्माण होता है, पेडोजेनेसिस होता है, उसी को ही हम क्या कहेंगे जी, फॉरेस्ट सॉइल के रूप से जानते हैं। यानी कि फॉरेस्ट के जो कवर प्रभाव से या केनोपी जो इफेक्ट है, उस इफेक्ट के वजह से जो मृदा का निर्माण होता है
उसी मृदा को हम क्या कहेंगे, फॉरेस्ट सॉइल के रूप से जानेंगे। अब हम बात करते हैं कि फॉरेस्ट सॉइल को हम देखें तो यह सामान्य मृदा से भिन्न होता है, और यह सामान्य मृदा से भिन्न होने का जो कारण है, यहाँ पर हम देखें यह पेड़ों द्वारा गहरे जड़ों के अनूठे प्रभाव की वजह से, ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट में जो पेड़ रहता है उसकी जड़ क्या रहता है जी, गहरा रहता है, तो इसे गहरे जड़ों के अनूठे प्रभाव की वजह से वो भिन्न रहते हैं। दूसरा चीज है वन वनस्पति से जुड़े विशिष्ट जीव, यानी कि यहाँ से जो वन में जो पाए जाने वाले वनस्पति है इससे जुड़े विभिन्न प्रकार के जीव के प्रभाव से। तीसरा है कूड़े यानी कि जो लीटर, यहाँ से जो पत्ती जो गिरते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, लीटर बोलते हैं, ठीक है, जो अधसड़े जो पत्ती रहता है उसे हम क्या बोलेंगे, लीटर बोलते हैं, ठीक है। तो लीटर की परत और लीचिंग मिट्टी से उत्पत्ति इसके अपघटन के उत्पादों द्वारा प्रकोपित, यानी कि इसके जो अपघटन है, जो लीटर के जो परत है, जो कूड़े करकट जो गिरता है पेड़ से, उसकी परत के अपघटन के बाद में जो मिट्टी जो बनता है, ठीक, उसको उत्पाद से जो लीचिंग होता है उसके जो प्रभाव से कारण से ये जो मिट्टी है वह क्या होता है, अलग होता है सामान्य मिट्टी से। नॉर्मल जो सॉइल है या आपका जो कल्टीवेटिंग जो सॉइल है उसके क्या रहता है, अलग रहता है, ठीक है। तो इस चीजों को आपको याद रखना है, इनमें कोई भी एक ठो भी जो कारण है वह दे सकता है आपका जो क्वेश्चन में कि जो फॉरेस्ट सॉइल है नॉर्मल सॉइल से कैसे क्यों भिन्न होता है, इसके कारण में आपको ये लिखना पड़ सकता है। और इसके अलावा जो फॉरेस्ट सॉइल के टर्म को भी आपको याद रखना है, यहाँ पर मेन चीज है प्रभाव है वन कवर प्रभाव को याद रखना है, ठीक, इसी के प्रभाव से विकसित हुआ जो सॉइल है उसी को हम क्या कहेंगे, फॉरेस्ट सॉइल या वन मृदा के नाम से जानते हैं। हम नेक्स्ट देखेंगे साथियों कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट यानी कि वन मृदा के घटक। तो देखिए वन मृदा के अगर हम घटक को देखें तो वन मृदा के घटक में हमें मुख्यतः तीन घटक देखने को मिलती है, एक होता है सॉलिड पार्ट, लिक्विड पार्ट, और तीसरा क्या है, गैसियस पार्ट, ठीक है। यहाँ पास तीन देखेंगे, सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि द्रव, और गैस यानी कि गैस, ठीक है। तो तीन इसका पार्ट देखेंगे और इसका जो अनुपात है, ठीक है, लगभग 50-25-25 यानी कि 50 अनुपात सॉलिड और अनुपात 25 क्या है, लिक्विड भाग, और 25 गैसियस पार्ट। अब यहाँ पर देख मैं बताता हूँ ये जो गैसियस है और लिक्विड दोनों के बीच संबंध भी हम देखेंगे। तो देखिए जो सॉलिड पार्ट होता है यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, यानी कि जो मैकेनिकल सपोर्ट है पौधे को, इसका क्या है, मिट्टी का सॉलिड भाग है यानी कि ठोस भाग है, यह मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। अब यहाँ पर देखें साथियों तो यह मिट्टी का जो रहता है अकार्बनिक और जैविक भाग से मिलकर बनता है, राइट, क्या से बनता है, अकार्बनिक और जैविक भाग से मिलकर के सॉलिड पार्ट का निर्माण होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर ऑर्गेनिक सॉइल की अगर हम बात करें, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूं, अगर हम ऑर्गेनिक सॉइल में देखेंगे, ठीक है, तो जो सॉलिड जो पार्ट है ऑर्गेनिक मटेरियल है यहाँ पर ये 20% होता है, ठीक है, और जो इनऑर्गेनिक जो सॉइल वहां पर रहता है 5% ये रहता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपको याद रखना है, खैर ये आपका बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, आपको इस चीजों को याद रखना है, मुख्यतः यह जैविक और अजैविक भाग से मिलकर बना होता है। यहां पर हम देखें तो लिक्विड भाग को देखें तो यह क्या करता है, द्रव भाग है मिट्टी का, यह प्रोवाइड वाटर एंड द वाटर सोल्युबल न्यूट्रिएंट, यह पानी तथा पानी में घुलित मिनरल को उपलब्ध कराता है पौधे को, ये क्या है हमारा लिक्विड भाग है, और लिक्विड भाग 25% भाग लगभग मृदा का बनाता है। हम नेक्स्ट देखेंगे गैसियस पार्ट या गैसियस भाग, ठीक है, तो गैस वाला जो हिस्सा को हम देखेंगे तो ये इस हिस्सा लगभग यह भी 25% बनाता है, लेकिन यह जो गैसियस पार्ट है यह डिपेंड करता है कि लिक्विड पार्ट कितना है, राइट, जब लिक्विड पार्ट क्या है, बारिश के दिन में आकर के उसके जब मिट्टी के जो पोर में भर जाता है, ठीक है, मिट्टी के जो बीच में जो सरंध रहता है, इस खाली साल में जब गैस लिक्विड भर जाता है, पानी भर जाता है, तो गैसियस वाला हिस्सा क्या होता है, कम हो जाता है कुछ समय के लिए, और जैसे ही मिट्टी अपने पोर से क्या है, फिर नीचे जाकर के तली में जाकर बैठ जाता है, वाटर टेबल में चला जाता है, तो फिर से जो रहता है आ जाता है। तो यहाँ पर हम देखें सांद्रता की बात करें
तो सांद्रता में देखो साथियों, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की सांद्रता वातावरण की सांद्रता के, वातावरण में कितना जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन है उसके बराबर होता है। लेकिन हम यही बस अगर देखें तो CO2 की सांद्रता वातावरण में जो उपस्थित CO2 कॉन्सेंट्रेशन है उससे ज्यादा होता है, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। हम नेक्स्ट चीज देखेंगे पेट्रोलॉजी। तो पेट्रोलॉजी की हम बात करें, ठीक है, तो पेट्रोलॉजी में मिनरल, हम इसे क्या बोलते हैं, जो चट्टान के जो स्टडी है, ठीक है, रॉक के जो स्टडी है, स्टडी अबाउट रॉक्स नोन एज पेट्रोलॉजी, यानी कि चट्टान के जो अध्ययन को, रॉक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। मैं इनमें कुछ जो पॉइंट है उसको हाईलाइट कर दिया हूँ। जैसे देखिए मिनरल यानी कि खनिज, तो खनिज हम किसके कहेंगे, तो खनिज देखिए नेचुरली ऑकरिंग मिनरल सब्सटेंस हैविंग स्पेसिफिक केमिकल स्ट्रक्चर, यानी कि प्रकृति में प्राकृतिक रूप से उपस्थित मिनरल सब्सटेंस जिसका एक निश्चित रूप से केमिकल स्ट्रक्चर होता है, स्पेसिफिक केमिकल स्ट्रक्चर होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं। अब देखिए मिनरल की बात कर रहे हैं हम, तो रॉक की बात कर रहे थे, चट्टान की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर और देखिए आपका जो सवालों का जवाब नीचे है, देखिए रॉक यानी कि रॉक हम किसे कहेंगे, मास ऑफ मिनरल मैटर, यानी कि जो मिनरल है खनिज के समुच्चय को ही हम क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं, और इसी चट्टान के अध्ययन को हम पेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे साथियों रॉक क्लासिफिकेशन, ठीक है, चट्टानों के या चट्टान के वर्गीकरण। तो चट्टान के वर्गीकरण हम देखेंगे बेस्ड ऑन ओरिजिन इन द माइंड ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि उत्पत्ति और निर्माण के आधार पर हम चट्टान की वर्गीकरण देखते हैं। ये महत्वपूर्ण हिस्सा है सोइल वाला हिस्सा का। देखिए पहला इसमें अग्नेय, दूसरा सेडिमेंट्री और तीसरा है मेटामॉर्फिक, ठीक है। देखिए इग्नियस को बोलते हैं अग्नेय, तो अग्नेय जो चट्टान है, ठीक है, पहला क्या है अग्नेय चट्टान, और ये अग्नेय चट्टान बनता है पिघले हुए मैग्मा से के जमने से अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है, क्योंकि मिट्टी पढ़ रहे हैं तो मिट्टी में चट्टान के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, यहाँ से का क्वेश्चन आ सकता है कभी कभार। तो देखिए अग्नेय चट्टान के निर्माण पिघले हुए मैग्मा के जमने से होता है। दूसरा है औसादी चट्टान, ठीक है, तो औसादी चट्टान में देखिए सेडिमेंट्री में यह हवा या पानी के अवसादन प्रक्रिया के द्वारा निर्माण होता है, ठीक है, औसादी चट्टान कैसे बनता है जी, हवा या पानी के अवसादन प्रक्रिया से औसादी चट्टान का निर्माण होता है। यह अर्नेसियस रॉक हो सकते हैं या एर्गिलिसियस या कैल्केरियस रॉक या कार्बोनेसियस रॉक हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार के सेडिमेंट्री रॉक में क्या क्या जी, इसे यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्नेसियस, एग्रिलेसियस, कैल्केरिसियस और कार्बोनेसियस, इन प्रकार के रॉक ये हो सकता है इनमें सेडिमेंट्री रॉक के अंदर में। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक, यह विभिन्न मेटामॉर्फिक प्रक्रियाओं के द्वारा अग्नेय और अवसादी चट्टानों से बनती है। मेटामॉर्फिक कैसे बनता है जी, विभिन्न प्रक्रिया, मेटा मतलब बहुत सारा, ठीक है, विभिन्न इसका क्या है रूप रहता है, तो हम यहाँ देखें यह विभिन्न प्रकार के मेटामॉर्फिक प्रक्रियाओं के द्वारा अग्नेय और अवसादी चट्टान से बनती है। हम इन्हीं में देखेंगे, नेक्स्ट है सॉइल फॉर्मेशन या मृदा निर्माण। तो मृदा निर्माण की जो प्रोसेस है साथियों, यह विभिन्न चरणों में संपूर्ण होती है, जिनके जो प्रमुख जो स्टेप हम देखेंगे तो यह दो चरणों में संपूर्ण होती है। तो पहला है वेथरिंग ऑफ मिनरल एंड रॉक, ठीक है, खनिज और चट्टानों का अपक्षय के द्वारा, और दूसरा स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ ट्रू सॉइल। तो चलिए देखते हैं पहला स्टेप को, हम देखेंगे वेथरिंग ऑफ मिनरल एंड रॉक के बारे में, खनिज और चट्टानों के अपक्षय को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए खनिज और चट्टान का अपक्षय मुख्यतः तीन विधि के द्वारा होता है, एक है फिजिकल वेथरिंग भौतिक अपक्षय, दूसरा है केमिकल वेथरिंग या रासायनिक अपक्षय, और तीसरा है बायोलॉजिकल वेथरिंग या जैविक अपक्षय के द्वारा सोइल का क्या होता है, जो रॉक है, इसी जो पेरेंट रॉक है, इसका क्या होता है जी, अपक्षय होता है, डिग्रेशन होता है, जिसके फलस्वरूप मृदा का निर्माण होता है। तो पहला हम देखेंगे साथियों
फिजिकल वेथरिंग या भौतिक अपक्षय है। तो यहाँ पर देखिए, बड़े जो चट्टान हैं, पेरेंट रॉक है, उसका बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के छोटे छोटे भागों में टूटना ही फिजिकल वेथरिंग कहलाता है। अब देखिए, तो फिजिकल वेथरिंग के जो कारण है, यह हो सकता है हवा, पानी, ग्लेशियर के अपघर्षण के द्वारा। जैसे बारिश होता है, मूसलाधार बारिश, तो मूसलाधार बारिश से भी क्या होता है, जो रॉक रहता है, चट्टान रहा है, वह धीरे धीरे क्या होता है, अपघर्षण होता है, और वह चट्टान थोड़ा थोड़ा क्या है, टूटने लगता है। इसके अलावा पानी से, हवा से, ठीक है, जोरदार हवाओं से चट्टान क्या होता है, कई बार टूट जाता है, ठीक है, ग्लेशियर से, जो पहाड़ियों में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े जब लुढ़कते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे चट्टान टकराते हैं तो चट्टान भी क्या होता है, डिग्रेड होता है, जिससे क्या है, चट्टान टूटता है छोटे भागों में। तीसरा, दूसरा नेक्स्ट क्या है, वायुमंडलीय तापमान में परिवर्तन के द्वारा। तो कई बार क्या होता है, वायुमंडलीय तापमान कम ज़्यादा होते रहता है, जिसके वजह से भी चट्टानों के बीच में क्या होता है जी, दरार हो जाता है, क्योंकि तापमान जब कम रहता है तो उस समय में कैसा होता है, जो चट्टान है ये संकुचन होता है, मतलब फैलता है, तापमान कम रहता है, वाटर एब्जॉर्ब करके, ठीक है, और वही जब सूखता है चट्टान तो वह संकुचित होता है। तीस प्रकार, बार बार संकुचित और होने से, फैलने से पत्थर है वह क्या होता है, टूट जाता है, उसमें दरार पड़ जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग उदाहरण के रूप में देखे होंगे, जो लाल कलर का जो पत्थर रहता है, चिकनी पत्थर रहता है, वह पत्थर को देखना क्या होता है, धूप में निकाल के रख देना, वह धीरे धीरे क्या होता है, टूट जाता है पत्थर, ठीक है, क्योंकि वह क्या है, बहुत जल्दी पानी को सोख लेता है, जो चिकनी पत्थर रहता है लाल रंग का, ठीक है, तो उन्हें आप देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रीजिंग एंड थेविंग, पानी का जमना तथा पिघलना, ठीक है, जो ग्लेशियर वाला जो एरिया में बार बार पानी जमता है, तापमान पिघलता है, इससे भी क्या होता है, जो पत्थर चट्टान है उस पर दबाव क्या परिवर्तन होता है विभिन्न प्रकार के, जिससे क्या है, रॉक्स है वह छोटे हिस्सों में टूट जाता है। नेक्स्ट आता है ब्लास्टिंग और उत्खनन द्वारा। तो मानव क्या करता है जी, जो खनिज के लिए विभिन्न जगहों में क्या है, ब्लास्टिंग करता है, ब्लास्ट करता है, जिससे चट्टान क्या है, टूटता है, ठीक, जो उत्खनन के द्वारा भी टूटता है, तो ये क्या है, फिजिकल जो वेथरिंग मिनरल रॉक का स्टेप है। नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल वेथरिंग, ठीक है, रासायनिक अपक्षय, ठीक है, रासायनिक अपक्षय हमको देखेंगे, तो रासायनिक अपक्षय में देखिए, चट्टानों का रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा अपक्षय, ठीक है, विभिन्न देखिए, जो चट्टान जो टूटते रहता है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मिनरल्स, ठीक है, जो केमिकल स्ट्रक्चर जो रखते हैं वह पहले से मौजूद रहता है इस पर, जो कॉपर, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, विभिन्न प्रकार के जो मिनरल क्या है यहाँ पर चट्टान में निहित रहता है। और यह क्या होता है, जब पानी के संपर्क में आता है, जब बारिश होता है तो पानी के संपर्क में आता है, तो इनमें विभिन्न प्रकार के जो रिएक्शन है हवा पानी के संपर्क में आकर के, जैसे ऑक्सीडाइजेशन, रिडक्शन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन और हाइड्रोलाइसिस आदि, जो विभिन्न प्रकार के अभिक्रियाओं के द्वारा, जो बड़े जो रॉक है, पेरेंट रॉक है, ठीक है, तो फिजिकल वेथरिंग के द्वारा जो टूटा था उसी रॉक में वह क्या है, और छोटे छोटे खंड में टूटने लगते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट भारी आता है बायोलॉजिकल वेथरिंग, ठीक है, ये बायोलॉजिकल वेथरिंग या जैविक अपक्षय, ठीक है, तो जैविक अपक्षय की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जैविक एजेंट के द्वारा मृदा का भौतिक और रासायनिक रूप से अपक्षय होता है। यानी कि हम देखेंगे कि सॉइल में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु है, बायोलॉजिकल एजेंट है, जैसे बैक्टीरिया है, लाइकेन है, मॉस है, ठीक है, इसके अलावा बड़े वृक्ष हैं, तो इनके द्वारा भी, जैसे वृक्ष है तो वृक्ष के जड़ जब पहुंचता है अंदर, तो जड़ के दबाव से क्या है, पत्थर क्या है, टूट जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया, लाइकेन, ये सब क्या करता है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम का सिक्रेशन करता है, जिससे केमिकली जो रॉक है वह क्या होता है, टूटने लगता है, उसका अपघटन होने लगता है, वेथरिंग होने लगता है। तो इस प्रकार से हम वेथरिंग ऑफ मिनरल्स रॉक में तीन प्रकार के मिनरल्स देखें, जिसमें जो पेरेंट जो रॉक है, मिनरल है, वह छोटे छोटे भाग में टूटता है। अब फाइनली हम देखेंगे नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ ट्रू सॉइल, नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। साथियों,
हमारे जो वीडियो क्लासेस है इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो को जितना ज़्यादा आप लोग मतलब लोगों तक पहुँचेगा, ठीक, उतना ही ज़्यादा वीडियो को मैं क्वालिटी को भी मतलब बढ़ा सकूँगा, ठीक है, ताकि मेरे को भी ज़्यादा टेक्निकल सपोर्ट मिले, है ना। और इसके अलावा भी आपको जो क्लासेस है इसे मैं ज़्यादा रेगुलर कर पाऊँगा। हालांकि क्लासेस तो आपका रेगुलर चलता रहेगा, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए अगर यहाँ पास मेहनत करता हूँ, ठीक है, तो आप लोग का भी दायित्व तो बनता है कि आप लोग क्लासेस को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों दोस्तों तक शेयर करें, ताकि मेरा भी मेहनत सकार हो और आपका भी मेहनत सकार हो, ठीक है। क्योंकि मैं जो कॉन्टेंट आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ बहुत ही एकदम सार को लेकर आता हूँ, जो आपको अन्य क्लासेस में कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे नए व्यूअर लोग से आग्रह है आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको जो वीडियो का डेली नोटिफिकेशन प्राप्त हो। थैंक यू।